ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप मंदिर तो रोज जाते होंगे। यदि रोजाना मंदिर नहीं जाते हो तो सोमवार सोमवार तो आप जरूर जाते होंगे। तो आप जब भी शिव मंदिर जाएं और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल शिवलिंग की जलाधारी से जरूर ले लें। उसके बाद उस जल से मंदिर में ही खड़े होकर पहले तो आचमन कर लें, फिर थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क लें और थोड़ा सा जल लेकर अपनी आँखों पर जरूर लगा लिया करें। ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग बीमारी होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं और भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमें सुख का अनुभव भी होता है। और इसके साथ स्कंद पुराण कहती है कि मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर से यही निवेदन करूंगी, कहीं भी जाकर मत रोइएगा, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको क्या तकलीफ है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जो भी पाठ करो, हम ये भी नहीं कहते कि आप शंकर भगवान का पाठ करो या फिर दुर्गा माता का पाठ करो। आप जो भी जिस भी भगवान का पाठ करते हो, स्मरण करते हो, वो आपकी मर्जी। बस आप जब के समय पाठ करते समय कटोरी में या गिलास में या फिर किसी भी पात्र में जल जरूर रखें अपने सामने और उस जल को हाथ में लेकर आचमन कर लें या फिर अपने ऊपर वो जल थोड़ा सा जरूर छिड़क लें। फिर अपने घर पर दुकान हो तो उस पर वो जल जरूर छिड़क दें। ऐसा आप रोजाना अपनी पूजा करने के बाद ये अवश्य करें। आप देखना, जब से ये कार्य करना प्रारंभ करेंगे आप, आधे से ज़्यादा आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपका दुख भगवान यूँ ही समाप्त कर देंगे।